हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिखिज्म के बारे में। सिखिज्म यानी जो सिख एम्पायर था इंडिया में, उसके फाउंडर कौन थे, कैसे कैसे उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, कैसे कैसे वो स्ट्रांग हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या न्यू प्रोविजंस आए, वो सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको पता होगा टोटल 10 सिख गुरु थे, ठीक है। तो अगर हम 10 के 10 को आज के वीडियो में करेंगे कवर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए सिर्फ आप पहले 5 गुरुओं के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और जो बाकी के 5 हैं यानी 6 से 10 तक जो हैं गुरु, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए, गुरु नानक देव हैं, गुरु अंगद देव हैं, गुरु अमरदास हैं, इस तरह से गुरु गोविंद सिंह तक हैं। तो इतने सारों को सिक्वेंस में कैसे याद रखना है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, मतलब जिससे मैंने याद रखा है। तो अगर आपको भी ये ट्रिक अच्छा लगे, आप भी इसे याद रख सकते हैं। इसमें है नारा ट्रिपल एच तक गया। ट्रिपल एच एक होटल है, होटल हॉलीडे होम, तो हमारे यहाँ पे है। आपके आई डोंट नो इसकी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया है या नहीं, बट ये ट्रिपल एच ये होटल का नाम है, ठीक है। तो नारा लगा वो ट्रिपल एच तक गया, नारा ट्रिपल एच तक गया। इसमें टी और जी रखने हैं, बाकी ये सारे के सारे अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ना एन ए ए आर ए ट्रिपल एच तक गया, एन से आएगा गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी। अब जो ट्रिपल एच है, इसमें कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये भी एक इशू रहता है। जैसे कि हर गोविंद सिंह जी हैं, हर राय है, हर कृष्ण जी हैं, तो कौन सा पहले आएगा, तो इसको आप याद कर सकते हैं। कृष्ण का रंग कैसा था, काला, बट हम उल्टा करेंगे, गो रा कृष्ण, गो से गोविंद सिंह, रा से राय, कृष्ण से कृष्ण। मतलब ये मेरी ट्रिक है जो मैंने की है, और मुझे टिप्स पे ये सारे याद हैं, ठीक है। उसके बाद है तेग बहादुर, उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो आज हम सिर्फ अर्जुन देव तक पढ़ेंगे, और जो बाकी के गुरु हैं 5, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो जल्दी से पेपर पेन ले लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, बिकॉज मैंने काफ़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं, काफ़ी कोलैबोरेट करके चीज़ें इधर उधर से। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना डेटा हो सके प्रोवाइड कर दूँ, बट फिर भी होता ही है कि हर एक टॉपिक इतना वास्ट है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो प्लीज़ ये कमेंट ना करें कि मैम ये रह गया। अगर कुछ आपको लगता है कि रह गया है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, वो भी एडअप हो जाएगा फिर जब कोई कॉमेंट पड़ेगा, वीडियो देखेगा तो, ठीक है। तो काफ़ी इंट्रोडक्शन लंबा हो गया। तो हमारे जो फर्स्ट गुरु थे सिखिज्म में, वो थे गुरु नानक देव जी, ठीक है, और लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह जी, ये तो सबको ही पता है ना। तो हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। जो गुरु नानक देव जी थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म इन इंडिया, या फिर फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर इन इंडिया। बर्थ हुआ था इनका 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब पाकिस्तान में, इन दी वेस्टर्न पंजाब विलेज तलवंडी नियर करतारपुर। ये थोड़ा एग्जैक्ट बता दिया, बट नॉर्मली याद रखना हो ननकाना साहिब पाकिस्तान इज मोर देन इनफ, ठीक है। फिर इनकी डेथ कहाँ पे हुई, लाहौर पाकिस्तान में हुई। अब देखिए, उस टाइम तो ऐसा नहीं था कि इंडिया अलग देश था, पाकिस्तान अलग था, इंडिया ही था सब कुछ, पाकिस्तान तो बहुत बाद में जाके बना है ना। तो डेथ हुई इनके लाहौर पाकिस्तान में। ही फाउंडेड, ये इंपॉर्टेंट है, संगत एंड पंगत। संगत और पंगत जो है, इसको फाउंड किया था गुरु नानक देव जी ने। संगत क्या होता है, हम अपनी भाषा में बोल देते हैं धर्मशाला, लेकिन ये होता है सराय, जहाँ पे आपको रहने की फ्री सुविधा होती है ना। तो वो हो गया सराय सिस्टम, हो गया संगत, और पंगत होता है लंगर, इसे गुरु का लंगर भी कहते हैं। आप जाएंगे किसी गुरुद्वारे में तो वहाँ पे लंगर लगा होता है ना, खाने को आपको फ्री में मिलता है, तो उसे कहते हैं पंगत सिस्टम। संगत एंड पंगत इन्होंने फाउंड किया था गुरु नानक देव जी ने। हाँ, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता रहा टाइम के साथ, कुछ और गुरुओं ने भी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, वो टाइम के साथ फिर चलता ही रहता है। नेक्स्ट आता है, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफी संत बाबा फरीद। जो बाबा फरीद थे सूफी संत, वो उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे ये, ठीक है। एज 30 गॉट एनलाइटमेंट, जब सिर्फ 30 साल की उम्र थी इनकी, इनको एनलाइटमेंट मिल गई थी। हिज मेन टीचिंग्स वर फेथ इन वन ट्रू गॉड, एक ही भगवान है उनमें पूरा पूरा ट्रस्ट रखो, दैट्स इट। इब्राहिम लोदी और बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। देखिए, इब्राहिम लोदी जो है, लोदी डायनेस्टी कह लीजिए या फिर पूरा दिल्ली सल्तनत कह लीजिए, लास्ट रूलर थे, और बाबर मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। तो ये दोनों, बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया इंडिया में। तो इन दोनों के टाइम में गुरु नानक देव जी थे, समकालीन थे इनके, ठीक है। ही वेंट टू मक्का एंड बगदाद टू प्रीच हिज मैसेज, अपने जो मैसेज है, अपना जो विचार है, उनको फैलाने के लिए, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए, सिखिज्म के बारे में बताने के लिए ये मक्का गए, बगदाद गए। ही एम्फेसाइज्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ वुमेन, औरतों को भी समान अधिकार दिया जाए, इस बात पे इन्होंने फोकस किया था। ही रिजेक्टेड द पाथ ऑफ रिनन्सिएशन, हम करते ना त्याग देना, घर बार छोड़ देना, सब कुछ त्याग देना, और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करना, वो चीज़ इन्होंने रिजेक्ट की,
रिनंसिएशन ऐसा कुछ नहीं होता, एंड अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास की अथॉरिटी को भी ये नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट गुरु के बारे में जो कि थे गुरु नानक देव जी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने इस टॉपिक के नोट्स बनाए या नहीं बनाए। नेक्स्ट जो हमारे सेकंड गुरु हैं नारा के हिसाब से NA यानी कि अंगद देव जी। तो अब हम पढ़ेंगे गुरु अंगद देव जी के बारे में। ही इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट थी उसके फाउंडर थे गुरु अंगद देव जी। और जो गुरुमुखी है दैट इज द स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। आपने देखा होगा पंजाबी मतलब हिंदी डिफरेंट लैंग्वेज है जिसे हम लिखते हैं, पंजाबी डिफरेंट लैंग्वेज है, तो वो जिस स्टाइल से लिखी जाती है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। इनका चाइल्डहुड नेम था लहना। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू हुमायूं। ये तो समझाने वाली बात नहीं है, हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, कंपाइल्ड द राइटिंग्स ऑफ गुरु नानक देव इन गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब एक होली आप कह लीजिए ग्रंथ है। ठीक है, सिखों का, तो जैसे हमारी गीता है, भगवत गीता है, रामायण है, तो वैसे ही इनका जो होली जो हम कहते हैं स्क्रिप्चर है, ग्रंथ है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसमें जो भी गुरु नानक देव जी की राइटिंग्स थी, उनकी टीचिंग्स थी, उनको कंपाइल करने का काम गुरु अंगद देव जी ने किया था। राइट, तो हमारे सेकंड गुरु के बारे में इतना ही था। थर्ड गुरु आते हैं गुरु अमरदास। ध्यान होगा आपको नारा NAA यानी कि थर्ड ए है मतलब अमरदास जी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो ही मेड इम्प्रूवमेंट्स इन लंगर सिस्टम। जो लंगर सिस्टम था उसमें इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा, एंड गेव इट मोर इम्पॉर्टेंस, और इसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। हमने पढ़ा अभी गुरु नानक देव जी के उसमें संगत एंड पंगत, पंगत को बोलते थे लंगर यानी गुरु का लंगर, तो बस उसी की बात हो रही है। उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की और उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। गुरु अमरदास डिवाइडेड हिज स्पिरिचुअल एम्पायर इंटू 22 पार्ट्स। इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो एम्पायर था उसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे कहते थे मंजिस या गद्दीस। ठीक है, और हर एक गद्दी का एक हेड होता था जिसे कहते थे महंत। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू अकबर। जो अकबर थे उनके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लबन या लवन। फाउंडेड मैरिज सिस्टम ऑफ पंजाबीज। जो पंजाबीज का शादी वाला सिस्टम है ना, जैसे चार फेरे लेते हैं तो आई थिंक उसको लबन बोलते हैं, तो उसको इन्होंने फाइंड किया था। अब ज़्यादा तो इन्हों पंजाबियों को पता होगा इस बारे में, है ना, अपने कल्चर के बारे में, बट जितना मुझे लगता है वो इनका ही होगा। क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो जो जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो उसमें 7 फेरे लेते हैं, बट इनके जो होते हैं उसमें 4 फेरे लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ही अबॉलिश्ड पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा को इन्होंने अबॉलिश किया। ही इंट्रोड्यूस्ड आनंद खारिज मैरिज सेरेमनी फॉर 6। यस, अब आनंद खारिज भी हो सकती है, वो 4 फेरे वाली मैरिज या लबन हो सकती है, आई डोंट नो, बट ये दो तरह के सिस्टम इन्होंने फाइंड किए थे। ठीक है, ही एस्टेब्लिश्ड मंजी एंड पीरी सिस्टम। जो मंजी और पीरी सिस्टम है इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, मंजी फॉर मैन, पीरी फॉर वुमेन। राइट, फिर नेक्स्ट, अब देखिए नारा हमने 3 पढ़ लिए, NAA हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है आर। आर यानी गुरु रामदास जी। ठीक है, ही हैड कॉर्डियल रिलेशंस विद अकबर। अब ये भी अकबर के ही समकालीन थे, इनके काफ़ी अच्छे रिश्ते थे अकबर के साथ। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन रखी इन्होंने अमृतसर सिटी, अमृतसर जो शहर है इन्होंने बनाया 1577 में। अमृतसर सिटी के लिए जो लैंड थी वो अकबर ने ग्रांट की थी इनको। ठीक है, अब रिलेशंस अच्छे थे तभी तो इन्होंने ग्रांट की होगी लैंड, अदरवाइज को क्यों अपनी ज़मीन देगा, है ना। ही डग अ टैंक एट अमृतसर। अमृतसर में इन्होंने एक टैंक की खुदाई की या टैंक बनाया, स्टिल देयर, जो अभी भी वहाँ पे है, सरोवर के नाम से फेमस है। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राइट, ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, जिसे हम आम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सिख होंगे वो ज़्यादा जानते होंगे बेशक इसके बारे में, बट हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, तो उसका एक्चुअल नाम क्या है, श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट की थी। ये होली सिटी है फॉर सिख्स, जो सिख होते हैं उनके लिए बहुत धार्मिक उनके धर्म से जुड़ी हुई सिटी, आप समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है, ही रिक्वेस्टेड मुस्लिम सूफी मियां मीर टू ले अ फाउंडेशन स्टोन फॉर इट। उन्होंने जो मुस्लिम सूफी संत थे मियां मीर, उनको कहा था कि आप इसकी नींव रखें। ठीक है, तो चलिए हमने 4 गुरु पढ़ लिए, हमने गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा, हमने गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास और गुरु रामदास जी के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो कि है हमारे गुरु अर्जुन देव जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ 5 गुरुओं के बारे में ही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे 5th गुरु हैं NAA RA यानी कि गुरु अर्जुन देव जी। 5th तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली हैं। पहली तो ये ही फाउंडेड आदि ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ है, सेक्रेट टेक्स्ट है, जो ये सिख होते हैं इनका, उसकी फाउंडेशन इन्होंने रखी। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल। अभी हमने जाना कि गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन गुरु रामदास जी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, जिसे श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन गुरु रामदास जी ने स्टार्ट की थी, बट कंप्लीशन जो है वो गुरु अर्जुन देव जी के हाथों हुआ था।
राइट, ही फाउंडेड सिटीज लाइक तारन तारन करतारपुर, ये सिटीज इन्होंने फाउंड की। अब ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्सियल सा है, इसमें है कि डेजिग्नेशन ऑफ गुरु बिकेम हेरिडेटरी आफ्टर हिम। अभी तक क्या था, पांच गुरु हमने पढ़े, गुरु के बाद जो गुरु का शिष्य जो सबसे ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट होगा, है ना, तार्किक शक्ति अच्छी होगी, वो गुरु बनेगा। लेकिन यहां से गुरु का बेटा गुरु बनेगा, ये स्टार्ट हो गया। अब देखिए, ये तो मैं आपको अर्जुन देव में लिखा रही हूँ, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन जो हमने इससे पहले पढ़े ना गुरु, गुरु रामदास जी के, उनसे ये वाला बेटा मेरा जो है वो गुरु बनेगा, ये हेरिडेटरी सिस्टम उनसे स्टार्ट हो गया था। और कुछ में है कि गुरु अर्जुन देव जी से स्टार्ट हुआ था। तो अब ये कॉन्ट्रोवर्सियल है, ये आपको जो सही लगे आप करना, बट मेरे हिसाब से मैंने गुरु अर्जुन देव जी में लिखा है तो मैं इसी हिसाब से पढ़ती हूँ। बट क्वेश्चन में अगर आपको एज सच कोई क्वेश्चन आ गया उसमें एग्जामिनेशन में, तो इतना तो कन्फ्यूजिंग तो वो नहीं डालते हैं, है ना, ये तो रामदास डालेंगे या अर्जुन देव डालेंगे, तो जो भी होगा फिर ऑप्शन के हिसाब से आपने कर लेना है, ठीक है। सो गुरु की जो ये पोस्ट थी, ये हेरिडेटरी हो गई थी आफ्टर हिम, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। इनके मुगलों के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे, इनको जो है जो जहांगीर आए थे दिल्ली में, जो मुगल एम्पायर के राजा थे उस टाइम पे, उन्होंने इनको मार दिया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव जी ने हेल्प की थी खुसरो की। खुसरो कौन था? जहांगीर का बेटा था। जहांगीर के बेटे यानी खुसरो ने रिवोल्ट किया अपने फादर के अगेंस्ट और अर्जुन देव ने उनकी हेल्प कर दी, जिसके लिए जहांगीर ने इनको मार दिया, राइट। हैंस बिकेम फर्स्ट ग्रेट मार्टियर ऑफ इंडियन सिख कम्युनिटी। इंडियन सिख कम्युनिटी के पहले ऐसे थे जिनको मतलब इस तरह से मारा गया। दस हेल्ड एज शहीदां दे सरताज, इनको शहीदां दे सरताज भी कहा गया था, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी तक मैंने नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स, पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगर मेरे नोट्स के थ्रू आपको हेल्प मिलती है तो आप अपने नोट्स मेकिंग में से ले सकते हैं। एंड राइट नाउ हम इंडियन ज्योग्राफी और मिडिवल हिस्ट्री दो सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी मिडिवल हिस्ट्री को थोड़ा कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ बचे हुए टॉपिक्स वो भी कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा इंडियन ज्योग्राफी और मिडिवल हिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट सोचेंगे, उसके बारे में कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के पांच गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।